नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। स्विट्जरलैंड ने 20 मिलियन डॉलर खर्च करके यूक्रेन पीस समिट रखा था, लेकिन ये पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन इस समिट के दौरान ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिसे आप देखकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे। भारत, ब्रिक्स समेत कई बड़े देशों ने इस पीस डिक्लेरेशन पर साइन करने से ही मना कर दिया है। ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन समिट के अंदर से जो खबर आ रही है वो चौंका देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत कितने देशों से रूस के लिए टकरा गया है, तो इसके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारत तकरीबन 80 से 85 देशों से दोस्त रूस के लिए खुलेआम भिड़ गया है। भारत ने मजबूती के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि इस समिट में हम एक तरफा फैसला नहीं होने देंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ की बात सुनी जानी चाहिए, हमें रूस की बात भी सुननी पड़ेगी। आपको बता दूं कि इस समिट के दौरान कई बड़े बड़े बवाल भी हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि अगर रूस नहीं मानता है तो फिर हम उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे। मतलब ही मेलोनी ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकती है। अब आप खुद सोच कर देखिए, ये एक पीस समिट था, लेकिन यहाँ पर खुले तौर पर रूस को धमकाया जा रहा था। इसके अलावा इस समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना आपा खो दिया और वो फोटो सेशन के दौरान जोर जोर से ग्लोरी टू यूक्रेन चिल्लाने लगे। फोटो के दौरान खड़े सभी प्रतिनिधि उनकी तरफ देखने लगे और ये माहौल चर्चा का विषय बन गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस डिक्लेरेशन पर भारत के अलावा किन देशों ने साइन नहीं किया, तो इसमें बड़े बड़े देशों के नाम शामिल हैं। इसमें से कई देश जैसे कि ब्राजील, यूएई और भारत G7 में भी शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने रूस के खिलाफ इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया है। सऊदी अरब समेत इन सभी देशों का यही कहना था कि कोई भी डिक्लेरेशन पर साइन करने से पहले हमें रूस के साथ भी बातचीत कर लेनी चाहिए। इस समिति के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूस पर आरोप लगाया कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान रूस ने फिनलैंड का 10% जमीन कब्जा कर लिया था। इस तरह से पुरानी बातों को उखाड़ कर रूस को भड़काने की कोशिश की गई, ऐसे में शांति कैसे होगी। इसके अलावा नाटो देश पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि हम रूस को 200 टुकड़ों में तोड़ देंगे। आप सभी को याद होगा, नाटो देशों ने पहले ही सोवियत यूनियन को 15 देश में तोड़कर रूस को बेहद कमजोर कर दिया, जबकि वहीं रूस ने भारत को टूटने से बचाया है। ऐसे में भारत उस डिक्लेरेशन पर कैसे साइन कर सकता है जहां की मीटिंग रूम में रूस को तोड़ने की बात की जा रही हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि समिट के दौरान जब उनकी बोलने की बारी आई, तो बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रतिनिधि बाथरूम चले गए और वे अपने बोलने के समय इस समिट से एब्सेंट रहे। इस तरह का मजाक भी समिट में देखने को मिला। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बिल्कुल अंतिम समय में यूक्रेन पीस समिति में पार्टिसिपेट न करने का फैसला किया, जबकि जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली समेत कई बड़े बड़े देश के नेताओं ने इस समिति में पार्टिसिपेट करके इस सम्मेलन का मान सम्मान भी बढ़ाया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका और जर्मनी के प्रतिनिधि इस समिट को बीच में ही छोड़कर भाग गए। समिट के बारे में ब्रिक्स देशों के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में आप विस्तार से यहां देख सकते हैं। अब आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर आगे क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर स्विट्जरलैंड में आयोजित इंटरनेशनल पीस समिट में एक बार फिर भारत यूक्रेन के दबाव में नहीं आया। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत सभी पश्चिमी देशों ने भारत पर यह दबाव बनाया था ताकि रूस के खिलाफ कदम उठाते हुए इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन कर दे, लेकिन भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देते हुए शांति सम्मेलन के साझा बयान से खुद को बाहर कर लिया है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भी बताया कि भारत ने साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूएई उन देशों में शामिल थे जिन्होंने यूक्रेन के लिए शांति पर आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन अंतिम विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस तरह से इन देशों ने यूक्रेन, अमेरिका और रूस तीनों को खुश करने की कोशिश की है। ये दर्शाता है कि ब्रिक्स के ज्यादातर देश रूस के साथ दोस्ती को मजबूत कर चुके हैं, लेकिन साथ में वे पश्चिमी देशों को भी नाराज नहीं करना चाहते। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर ने संघर्ष पर भारत के रुख पर जोर देते हुए कहा कि हमारे विचार में केवल वे विकल्प ही स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार रहे हों। इस दृष्टिकोण के अनुरूप हमने शिखर सम्मेलन से निकलने वाले संयुक्त विज्ञप्ति या किसी अन्य दस्तावेज से जुड़ने से बचने का फैसला किया है।
कई लोगों का मानना है कि इस स्टेटमेंट में लिखा गया था कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है उसे उन इलाकों को खाली करना पड़ेगा, जबकि वहीं रूस का मानना है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उसका कब्जा हो गया है उसे वो छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे में दोनों के विचारों में कॉन्फ्लिक्ट है। भारत इस बात को समझता है कि कोई भी बड़ा समाधान तभी निकलेगा जब इन दोनों को टेबल पर साथ लाया जाए। सम्मेलन की मेजबानी करने वाले स्विट्जरलैंड ने कहा कि 90 से अधिक देशों ने वार्ता में भाग लिया और उनमें से अधिकांश ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए। 80 देशों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया कि रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी शांति समझौते का आधार यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता है। मतलब ये लोग रूस को वापस पूरी तरह से पीछे धकेलना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन भी कभी सोवियत यूनियन और रूस का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसे 15 हिस्सों में तोड़ दिया और अब 200 हिस्सों में तोड़ने की तैयारी है। रूस को सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, या फिर यूं कहें कि रूस ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया था। सम्मेलन में मौजूद कई लोगों ने उम्मीद जताई कि रूस शांति की रूपरेखा पर चर्चा में शामिल हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मेलन का हिस्सा बनने की अपील की थी। शिखर सम्मेलन से 2 दिन पहले भारत ने इसमें हिस्सा लेने की पुष्टि की, जिसके बाद सचिव पवन कपूर को भेजा गया। कई दशकों से आतंक से दोस्ती करने वाला पाकिस्तान तालिबान को ज्ञान दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।